अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आप सदन के अध्यक्ष के रूप में जो पद ग्रहण किया है इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे सदन को आज इस आसन की गरिमा अक्षुण रखने के लिए भी विपक्ष के साथियों को और सत्ता पक्ष के साथियों को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने वर्ष 1982 में एसपी कॉलेज से अपना ज्ञान स्नातक किया, साथ ही उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से वर्ष 1985 में बीएड की डिग्री भी हासिल की है। वर्ष 1990 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से भी जुड़े, वर्ष 1995 में झारखंड स्वायत्त शासी परिषद के पार्षद भी मनोनीत हुए। अलग झारखंड के आंदोलन के दौरान जेल भी गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बार नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी चुने गए हैं, पहली बार ये वर्ष 2005 में एवं दूसरी बार 2014 में विधायक चुने गए। झारखंड विधानसभा में ये हमेशा राज्य के नीतिगत विषयों एवं जनता के ज्वलंत सवालों पर प्रमुखता से अपनी बात रखते रहे हैं। ये कुशल राजनेता एवं प्रखर वक्ता भी हैं। ग्रामीण परिवेश के सादगी को समेटे हुए इनका व्यक्तित्व सबको प्रभावित करता है। हमें पूरी उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय अपने कार्यकुशलता एवं विधायक अनुभव के आधार पर विधायकों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए विधायी कार्यों को का सफलतापूर्वक संचालन करेंगे और इनके मार्गदर्शन में पंचम झारखंड विधानसभा नई बुलंदी की ओर पहुंचेगा। धन्यवाद। माननीय श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, आज संसदीय इतिहास में बड़ा ही सुखद अनुभूति हो रही है कि पांचवे विधानसभा में स्पीकर के रूप में सर्वसम्मति से आपका चयन हुआ है और विधानसभा के सभी निर्वाचित माननीय सदस्यों ने करतल ध्वनि से आपका स्वागत किया है। संसदीय लोकतंत्र की यही खुशबू है कि जब स्पीकर के पद को बिल्कुल पार्टी से ऊपर उठकर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की भावना से प्रेरित होकर और सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास करें, निश्चित रूप से यह संयोग ही है कि यदि कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो आपके साथ इस सदन के अंदर मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं और आज के दिन मैं बहुत खुश हूं कि आप स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। निश्चित रूप से आप इस सदन को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे और पक्ष और विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर सभी को
एक भाव से देखते हुए और अपने विवेक से और झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के तहत सदन को चलाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं कि कहा गया है कि आज आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पार करते हैं। सिर्फ ईमानदारी से सदन को चलाने का हौसला रखिए, आपके जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आलमगीर आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं और यहाँ तमाम जो सदस्य हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस सभी ने सम्मिलित रूप से आपको आज विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक संग्रामी पद है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही बैठते हैं। अपनी अपनी बातों को, अपने अपने क्षेत्र की बातों को रखने के काम सभी माननीय सदस्य करते हैं। विधानसभा का कार्य प्रणाली में जो महत्व है उस चीज को ज्यादा से हमें ध्यान देना पड़ेगा। हर एक सदस्यों का अपना अपने समस्या है, उस समस्या को सुनकर उसका निष्पादन करना भी आपका एक दायित्व है। और मैं जहां तक आपको हम जानते हैं, मुझे याद है 2005 में पहली बार आप चुनाव जीतकर आए थे। उसके बाद लगातार 15 सालों तक आपका उसी तरह संबंध हमसे जुड़ा हुआ रहा और विधानसभा का बाहर और भीतर जो आपकी कार्यशैली निश्चित तौर पर जो अनुभव आपका है, इस विधानसभा के पद भी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप चयन हुए हैं। सभी को यहाँ के जितने भी लोग हैं और आपके माध्यम से क्षेत्र और प्रदेश का लाभान्वित होगा, ये मुझे विश्वास है। कार्यप्रणाली का जो नियम के तहत ये जो पद है, मैं समझता हूं कि समय समय पर ऐसा समय आता है जो इसका निराकरण करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन धैर्य के साथ, विवेक और बुद्धि के साथ अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा को और इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और मैं पुनः आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि ये जो दायित्व है, संघ दायित्व है, इस दायित्व को बखूबी आप पालन करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जो आपसे लगाव 15 साल और अनुभव हमने देखे और बातचीत के क्रम में जो आपका विधायक कार्य हो चाहे जो भी कार्य हो, आपने बढ़िया बखूबी से निभाए और आगे भी निभाएंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार जाधव जी। अध्यक्ष महोदय, आप सर्वसम्मति से इस पद पर आसीन हुए हैं। मैं अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक इन कामों को अंजाम देने में बेहतर साबित होंगे। कुछ लोग पद से जाने जाते हैं और कुछ पदों को लोगों से जाने जाते हैं। मुझे वह छोटी सी घटना याद आती है कि चुनाव आयोग का जो पद था, टीएन सेशन के पहले लोग नहीं जानते थे,
लेकिन टीएल सेशन ने जब बखूबी अपने रोल को किया तो पूरे देश के लोगों ने कि चुनाव आयोग भी कोई चीज है यह जानने का प्रयास किया। उसी तरह मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि आप जिस पद पर बैठे हैं आपसे उस पद की गरिमा बढ़ेगी और जिस निष्पक्षता से आपके भाव भी निष्पक्ष रहे वर्षों तक आपसे काम करने का आपके साथ मौका मिला है, आप निष्पक्ष भाव के हैं, चीजों को समझते हैं गहराई से, उसी निष्पक्ष भाव से इस सदन को चलाने का प्रयास करेंगे और कोई ना कोई बड़ी लकीर, ताकि वह छोटी लकीर छोटी पड़ जाए, बड़ी लकीर दिखने लगे, एक नई लकीर खींच करके इस सदन की गरिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां और आप पूर्ण सफल हो, इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद।